के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और दर्जन किसानों ने तहसील पहुंचकर किसान सम्मान निधि बंगाली समाज के प्रमाण पत्रों को पूर्वी पाकिस्तान और धान और गन्ने के भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार को पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। पूर्व विधायक नारायण पाल ने बताया है कि किसान सम्मान निधि का पैसा क्षेत्र के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। 10 दिसंबर को तहसीलदार द्वारा नोडल अधिकारी किसान सम्मान निधि योजना के लिए बुलाए गए हैं। इसके बाद कांग्रेस और आगे की रणनीति तैयार करेगी। जिसमें उनके द्वारा बासपुर चीनी मिल्स को सितारगंज का गन्ना किसानों का प्रस्तावित और किसानों को गन्ना किसानों का भुगतान और किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में भुगतान और चीनी मिल सितारगंज को चालू करने के संबंध में तो मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाएगा। किसान हैं और किसानों को चुनाव से पहले एक सब्ज बाग दिखाया गया, हसीन सप्ताह दिखाया गया कि सम्मान निधि जो किसानों को दी जानी थी तो उसमें इन्होंने अभी आज बताया कि 13,000 कुछ फॉर्म इन्होंने भरे थे जिसमें 1% लोगों को भी 6,000 किस्त एक साल हो गया नहीं मिली है और इन पर कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। अब ये 12-13 तारीख को नोडल अधिकारी को बुलाएंगे। दूसरा, पूर्वी पाकिस्तान बंगाली बच्चों के उनके प्रमाण पत्रों पर लिखा जा रहा है और गन्ना और धान का जो भुगतान है वो नहीं हो रहा है, चीनी मिल बंद है वो, और विस्थापितों का मामला, इस सारे मामले को लेकर जो रिहैबिलिटेशन का है, पुनर्वास का है, उसके मामले को लेकर कि यहाँ के लोगों को पट्टे दिए जाने वाली बात, ये 4-5 विषय को लेकर हम लोग यहाँ आए थे।